हूँ शोभा, आपका शोभा रसोई में फ्रेंड। आज मैं बनाने वाली हूँ पिज्जा पराठा, जो हेल्दी तो होगा ही और खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने ले लिए 2 कटोरी जितना आटा। अब इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। 2 चम्मच हम डाल देंगे ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। इसे मिक्स कर लेते हैं। एक स्मूथ सा आटा हम रेडी कर लेंगे, डो तैयार कर लेंगे, ताकि ना ज़्यादा टाइट होगा ना ज़्यादा नरम। पानी डाल के हम गूंथ लेंगे इसे। ये हमने सॉफ्ट सा आटा लगा लिया। अब इसको हम एक तरफ रख देते हैं। ये देखिए, हमने एक बाउल ले लिया। अब इसमें हम पिज्जा सीजनिंग के लिए फिलिंग तैयार करेंगे। ये हमने आधा थोड़ी सी शिमला मिर्च काट लिया, रेड बेल पेपर आधा, और थोड़ा सा येलो बेल पेपर, एक प्याज छोटा सा चॉप की हुई, आधा कटोरी कॉर्न, एक टमाटर, ये हमारा मोजरेला चीज है इसको डालेंगे, ये पनीर छोटे पीस में कटे हुए, आधा चम्मच काली मिर्च डालेंगे, 2 छोटे चम्मच हम चिल्ली फ्लेक्स डालते हैं। पराठा है तो पिज्जा सीजनिंग डलेगा ही। ये हमने 1 चम्मच ऑरिगेनो डाल दिया। दो हरी मिर्ची कुटी हुई, 1 चम्मच हमारे अदरक लहसुन की पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। ध्यान रहे इसमें चीज डल रहा है तो हमें नमक थोड़ा कम ही डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच हम टमाटो का केचप डालेंगे। अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छा से। ये हमने मिक्स कर लिया। अब हम चलिए रोटी बेलते हैं। अब इसे हम लोई तोड़ लेंगे। ये देखिए, हम रोटी से थोड़ा सा मोटा हमने बेल लिया इसको, बड़ा सा रोटी बेल लिया। अब इसके ऊपर हम थोड़े से पिज्जा सॉस लगा लेंगे। पिज्जा सॉस लगा लिया। अब इसके ऊपर हम ये फिलिंग डाल देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा मोजरेला चीज डालेंगे हम। साइड से हम पानी लगा लेंगे ताकि हमारा पराठा खुले ना और फिलिंग्स बाहर ना निकले, अच्छा से लॉक हो जाए। ये देखिए, इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे इसे। इसको हम हाथों के सहायता से थोड़ा सा फैला लेंगे, पेलेंगे नहीं, नहीं तो हमारे फिलिंग्स बाहर निकल जाएगा। तवा हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, तवा गर्म हो गया। जिस तरफ से फोल्ड है उसको हम ऊपर के साइड में रखेंगे, इसे सिकने देंगे धीरे धीरे जब तक हम दूसरा पराठा भी बेल लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम पलट देंगे। मैं बना के दिखा रही हूँ आपको जब तक हमारा दूसरा पराठा सीखे। अब हमने रोटी बेल लिया, पिज्जा सॉस लगा लिया। अब इसमें हम ये फिलिंग भर देंगे। हमने फिलिंग्स भर लिए, इसके ऊपर में हम डाल देंगे मोजरेला चीज। ये हमने पराठा हमारा सीख गया। एक तरफ हम घी लगा लेंगे, आप चाहे तो तेल से भी बना सकते हैं, लेकिन घी का पराठा अच्छा ही लगता है, इसीलिए हम घी से बना रहे हैं। इसको पलट देते हैं। देखिए, इधर से भी हमारा सीख गया पराठा। इसके भी हम चारों तरफ से पानी लगा लेंगे, इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार फोल्ड कर लीजिएगा, मैं ऐसे रेक्टेंगल बना रही हूँ। अब इसको हाथों के सहायता से हम इसे प्रेस कर देंगे। हमारा पराठा सिक गया। अब इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया हमारा पराठा है। अब बाकी का भी हम बना लेते हैं। ये देखिए, हमने सारे पराठे बना लिए हैं, तो अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं थोड़े से। देखिए फ्रेंड, कितना टेस्टी हमारा
पिज्जा पराठा रेडी हो गया। ये देखिए चीज मेल्ट हो गई हमारी। तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डिश अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ जल्दी से कर दीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में आप भूल जाएंगे। और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाले नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले कोई नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक यू।